देखिए, खुशी की बात है कि हमारे यहाँ इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री को लेकर। मैं फिल्मों से वाबस्ता हूँ, तो यहाँ पे जो मेन फोकस था कल पूरा दिन वो ये था कि फिल्म टूरिज्म को यहाँ पे प्रमोट किया जाए, और इनफैक्ट इनवाइट किया गया बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की फिल्मों को, यूरोपियन फिल्म। और मुझे उम्मीद है कि इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा हम लोगों को, कश्मीरी स्पेशली कश्मीरी फिल्म मेकर्स को। तो मेरा फोकस जो था, सबसे जो मेन जो हमारी यहाँ बन रही है उसको मजबूत किया जाए, उसे बूस्ट किया जाए, उसे सपोर्ट किया जाए, और फिल्म पॉलिसी को थोड़ा सा स्पीड में लाया जाए, ताकि न सिर्फ बाहर के बल्कि यहाँ के लोकल फिल्म मेकर्स को सपोर्ट मिले, कम से कम एक ऐसा सपोर्ट की जो सब्सिडीज़ है वो मिले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ फिल्में बनाएं। और यहाँ के टूरिज़्म की तरफ से हमारे सेक्रेटरी साहब ने जो वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन किया कश्मीर टूरिज़्म को और यहाँ के लोकेशंस को लेकर, बहुत ही उम्दा था और लोग इम्प्रेस हुए। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे यहाँ कश्मीर की जो मेन इंडस्ट्री है वो टूरिज़्म ही है, और अगर इस तरह के इवेंट यहाँ होते रहे और उन पे काम किया गया तो फिल्म टूरिज़्म इंडस्ट्री बन सकता है। लेकिन यही है कि काम करना पड़ेगा, जिस तरह से यहाँ डिस्कस हुआ उन पे इम्प्लीमेंटेशन के, ये बातें मैं शायद आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हाँ मैं उन लोगों में शामिल था और बहुत ही अच्छा माहौल था और बहुत ही अच्छे वातावरण में वहाँ पे मीटिंग हो रही थी, और उनके गेस्चर्स को देखकर, उनकी रुझान देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं जिस फील्ड से मैं हूँ, फिल्म उस पे वो शायद यहाँ से जाकर। इस तरह की इवेंट्स भी तो यहाँ पे पहले कभी हुए नहीं, लेकिन जो ये हुआ है ये बड़े ही लेवल पे है, नेशनल लेवल पे है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे हुआ है। और उम्मीद तो यही की जा सकती है कि अगर इस तरह के इवेंट्स हुए और उन पे इम्प्लीमेंटेशंस हुई, तो न सिर्फ यहाँ के बल्कि बाहर लोगों के भी फ़ायदे होंगे, बाहर के फिल्म मेकर्स को, और यहाँ लोकल इंडस्ट्री को तो बूस्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर काम लोकल लेवल पे हुआ या बाहर के लोग से लोग आए और उन्होंने काम किया, तो नेचुरली काम तो लोकल को ही करना है, जो यहाँ का लाइन प्रोडक्शन है वो एटलीस्ट इधर के लोग ही करेंगे। आर्टिस्ट जो यहाँ पे हैं, जो काफ़ी कई सालों से एक तरह के बैठे हुए हैं, उनको काम मिलना शुरू हो जाएगा। और फिल्म पॉलिसी में जो बताया गया है कि प्राइमरी कास्ट को अगर साइन किया जाए तो सब्सिडी मिलेगी बाहर के मेकर्स को और यहाँ के मेकर्स को, तो मैं होपफुल हूँ कि ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है एक बेटर फ्यूचर की तरफ जा रहा है। और अगर ये हुआ, अगर इस पे काम हुआ, तो इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीर की फिल्म इंडस्ट्री डेफिनेटली बनेगी। सर, आप G20 में आप क्या कुछ अभी तक रहा है, कैसा आपने महसूस किया?